हम लोग अभी पंजीम का जो मेन चर्च है वहाँ पे आ गए, तो अभी हम पहुँच गए द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। गाइस मैं अभी डोनापोला पहुँच गया हूँ। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. तो आखिरकार हम पहुंच गए पंजीम के फेमस चर्च के सामने। हम लोग अभी पंजीम का जो मेन चर्च है वहाँ पे आ गए। चर्च का नाम है अवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च, ये इस नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने डेफिनेटली स्पॉट किया होगा ये ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक चर्च बहुत से बॉलीवुड मूवीज में, ऑल्सो इन मैनी म्यूजिक एल्बम्स। दिस इज गोवास मोस्ट फेमस चर्च एंड बेस्ट व्यू फॉर फोटोग्राफी। यहाँ पे बहुत से फेमस बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि आशिकी 2, गोलमाल और सिंघम। चर्च के जस्ट सामने ये सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से की गई है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम 15 से 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं और चर्च की तरफ फेस करके प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे राइट में देखेंगे तो वहाँ पे 2-व्हीलर और 4-व्हीलर का पार्किंग का फैसिलिटी दी गई है। एंड दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट प्लेस फॉर ओल्ड एज पीपल, वो अपनी इवनिंग यहाँ पे इत्मीनान से बिता सकते हैं। तो पंजीम का सबसे पहला स्पॉट हमने अभी यही देखा है, और भी जाके हम देखेंगे आगे जाके, और भी चर्चेस हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे। नेक्स्ट चर्च जो हम विजिट करने वाले उसका नाम है द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। तो अभी हम पहुंच गए हैं द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, ये पंजीम में ही है, और ये जो मेन जो पंजीम का चर्च है सिटी में उससे ये कुछ 15-18 किलोमीटर है। यहाँ पे वीडियोग्राफी अंदर में अलाउ नहीं है, बट हम बाहर से कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है ये एक्चुअल में, और बहुत सुंदर है, और ये बहुत ओल्ड है ये चर्च। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको बाहर से, फिर हम अंदर भी जाएंगे। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी चर्च लग रही है ये, और बहुत ही सुंदर है। जो मेकिंग है, जो पुराना डेवलपमेंट है, वो बराबर नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपको करीब से दिखाते हैं, तो ये एंशिएंट टाइम का बनाया हुआ चर्च है, जो कि बहुत पुराना है और बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया गया था उस वक्त इस पर। और इसको यानी कि ऐसा है कि पुराने ज़माने के जो भी ओल्ड फोर्ट है या चर्चेज है, मॉन्यूमेंट्स है, उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उन पर कुछ भी यानी कि रिकंस्ट्रक्शन या रीडेवलपमेंट नहीं किया गया, जैसा था उसको वैसे ही रखा गया। और इनका जो डेवलपमेंट था उस वक्त का, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था, कि आज भी इसको रिपेयर करने की या रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सामने के चर्च के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग चर्च इन इंडिया एंड दिस इज लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इट्स एलिगेंट आर्किटेक्चर मेक इट अ मैजेस्टिक वाइट ब्यूटी। वेरी फेमस और थोड़ा डिफिकल्ट हुआ यहाँ रास्ता ढूंढने में क्योंकि यहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट हम एटलीस्ट हम पहुँच ही गए। It is a super cute, super local bar in Goa and away from the usual tourist trap places. A simple bar with no expensive interiors. The service is really great and it is a very relaxed place. It has only 10 to 15 seats with a few tables and chairs spilling out onto the road. This place is really amazing with local beer, amazing food, for sure good drinks, and service is really very good. Located in the heart of Fountain Arts, and I really like this place. डोना पोला का जो डिस्टेंस है पैंजिम से वो है 7 किलोमीटर्स। प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज लवर्स पैराडाइज। यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो बहुत फेमस हुआ था सिंगम फिल्म की शूटिंग के बाद से। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स दिख रही है, बहुत ही सुंदर नजारा दिख पा रहा है यहाँ से। अभी हम पास होंगे ब्यूटीफुल मार्केट से। यहाँ का जो क्लोथ मार्केट है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता यहाँ पे क्लोथ मिल जाते हैं।
पे मेंटेनेंस का काम चालू है, उसके कारण हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ फोटोज़ क्लिक करेंगे एंड देन फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। मीरामार बीच हमारे लिस्ट में नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड था और हमने आज इसे भी एक्सप्लोर कर लिया। इस बीच के मिडल एरिया में है जहाँ पे बहुत ही कम क्राउड होता है और एक भी शेफ नहीं है। अक्सर मैं हर एक बीच में जाके एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हर एक बीच का जो एक डिफरेंट व्यू होता है वो यहाँ भी देखने को मिला। अगर यहाँ से आप देख पाएंगे तो दूर बहुत सारे बिल्डिंग्स और सिटी दिख रही है, मैं यहाँ से जूम नहीं कर पाऊँगा। ये बीच भी बहुत साइलेंट है, यहाँ पे किसी के नहीं होने के कारण ये यहाँ पे बहुत शांति है और शाम के वक्त यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा। आज हमारा लक था इसलिए हमें ये बीच दिख गई जब हम डोनापोला से वापस नॉर्थ गोवा की तरफ जा रहे थे। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे शिप्स है जो कि क्रूज शिप्स है और यहाँ का एंट्री का कुछ टाइमिंग होता है जो कि सिर्फ इवनिंग में ही अवेलेबल होता है एंड देन पूरा नाइट हम स्टे करके मॉर्निंग में हम वापस आ सकते हैं। मैंने कुछ जगह पे पता किया था कि क्या रेट्स हैं क्रूज़ में जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जब भी पैंजिम आएंगे तो हम लोग जरूर क्रूज में जाएंगे, क्योंकि ये भी एक डिफरेंस एक्सपीरियंस होगा। इस बार तो हमारे पास टाइम कम है, ये हमारा लास्ट दिन है आज पैंजिम में और कल हम साउथ गोवा निकलने वाले हैं। गाइस, तो हमने सोचा कि क्यों ना क्रूज को थोड़ा सा करीब से देखा जाए, तो यहाँ पे वॉकिंग के लिए एक वे बनाया हुआ है और साइड में क्रूज जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो कैसीनोज है उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, एक तो है डेल्टिन रॉयल, एक है डेल्टिन जैक, एक है कैसीनो प्राइड, मैजिस्टिक प्राइड और एक है कैसीनो पर्ल और एक है बिग डैडी। ये सभी यहाँ के फेमस कैसीनोज है। मैंने यहाँ पे फिर से इंक्वायरी किया कि कैसीनो रॉयल में कैसे जाया जाए, बुकिंग का क्या प्रोसेस होता है, तो उन्होंने बताया कि आप नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर काउंटर्स होते हैं, तो वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं और बस फैसिलिटीज़ है जो आपको यहाँ तक पहुँचा देती है और इसका टाइमिंग है इवनिंग 6:30 PM टू मॉर्निंग 6 AM। तो ये हमारा पैंजिम का लास्ट स्पॉट था, अभी हम यहाँ से सीधा हमारे नॉर्थ गोवा में जाएंगे और अपने रिसोर्ट में जाके थोड़ा फ्रेश होंगे एंड देन उसके बाद हम सोच रहे हैं कि कैंडलम बीच भी जाया जाए। तो गाइस, ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।